सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ओ हेनरी की कहानी आखिरी पत्ता। इसे हमने लिया है ब्लॉग यूनाइटिंग वर्किंग क्लास से। तो सुनिए ये कहानी। वाशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता दो तीन बार काट जाती है। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में अमूल्य संभावना पैदा हुई कि कागज, रंग और कैनवास का कोई व्यापारी यदि तकादा करने यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से मुठभेड़ हो ही जाएगी और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना वापस लौटना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टीन की दस्तरियां खरीद लाए और गृहस्थी बसा ली। एक नीचे से मकान के तीसरी मंजिल पर सू और जानसी का स्टूडियो था। जानसी यानी जोना एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने बीसियों लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसे किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुंकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था, फिर भी उसने जानसी पर हमला बोल दिया। वो बेचारी चुपचाप अपने लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है और वो भी तब यदि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं तो उनका इलाज धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि अब वो अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान। बिच्छू के डंक किसी चुभती आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे मुमकिन है उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वो अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर
कई रुमाल निचोड़ने काबिल कर दिए। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जानसी के कमरे में पहुंची। जानसी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती हुई पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। तख्ते पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीर बनानी ही पड़ती है, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखनी पड़ती हैं। ज्यों ही सू एक घुड़सवार जैसा ब्रीजस पहने एक आंख का चश्मा लगाए किसी इडाहो के गडरिये के चित्र की रेखाएं बनाने लगी कि उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी, सू। वो शीघ्र ही बीमार के बिस्तर के पास गई। जानसी की आंखें खुली थी, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वो उल्टा जप कर रही थी। वो बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, और तब एक साथ 8 और 7। सूने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली, वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की एक कोरी दीवार, एक पुरानी ऐठी हुई जड़े निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ दी थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उघाड़ी टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सुनी पूछा, क्या है जानी? अत्यंत धीमे स्वरों में जानसी बोली, 6, अब वे जल्दी जल्दी कर रही है। 3 दिन पहले वहां करीब 100 था, उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वो एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5। 5 क्या जानी, 5 क्या? अपनी सू को तो बताओ। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी, मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सूने शिकायत की, ओफ, इतनी बेवकूफ तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार करती थी, क्यों? इसीलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफी बंद कर। अभी अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था तेरे ठीक होने की संभावना, ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था संभावना रुपए में 14 आने हैं। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं होती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसके संपादक महोदय के हाथों बेचकर वो अपने बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉनसी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की जरूरत नहीं। वो एक और गिरी, नहीं मुझे शोरबे की भी जरूरत नहीं, अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जॉनसी, तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती हूँ खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचा देनी है, मुझे रोशनी की जरूरत है वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जॉनसी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीरें नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए, इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने भी नहीं देना चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद अपनी आंखें बंद करती हुई जॉनसी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर, मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बेहर मैन को बुलाकर लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई, जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बेहर मैन
उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती थी। बेहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वो साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर कभी भी वैसी नहीं बना पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका पाते थे, वो आजकल अपना पेट भरता था। वो जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता जिसके सपने वो संजोता था। वैसे वो बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों की जोरदार मजाक उड़ाता और अपने को इन दोनों नौजवान कलाकारों का पहरेदार कुत्ता समझा करता। सू ने बेहरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवास खड़ा था जो उसकी उत्कृष्ट कलाकृति की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 वर्षों से बाट जो रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जानसी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बेहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वो बोला, क्या कहा, क्या अभी तक इस दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी। सू ने कहा, वो बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब कलुषित कल्पनाएं जाग रही हैं। अच्छा बूढ़े बेहरमैन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो, हो तो आखिर उल्लू के पट्टे ही ना। बेहरमैन चिल्लाया, तू तो लड़की की लड़की ही रही, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से तो यही झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये जगह जानसी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा तब हम सब यहाँ से चलेंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जानसी सो रही थी। सोने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केटली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेहरमैन को बिठाया गया, जिसे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। एक घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। विवश होकर शू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन ये क्या, रात भर वर्षा आंधी तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई इस बेल में एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वो पत्ती जमीन से कोई 20 फीट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, ये आखिरी है, मैंने सोचा था कि ये रात में जरूर ही गिर जाएगी, मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और इसी समय मैं भी मर जाऊंगी।
तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर, मैं क्या करूंगी। पर जॉनसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है। जब वो अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, ज्यों ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले उसके बंधन ढीले पड़ते गए, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोर से जकड़ना शुरू कर दिया। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई। रोशनी होते ही निर्दयी जॉनसी ने आदेश दिया कि पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जॉनसी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉनसी बोली, सूडी, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है, ला मुझे थोड़ा शोरबा दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर दे, पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा दे ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई एक घंटे बाद वो बोली, सूडी, मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8-9 मानी जा सकती है। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? हाँ, बेहरमैन, शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। अत्यंत दुर्बल और बुरा आदमी है और झपट जोर की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां आराम ज्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉनसी, अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई, अब तो सिर्फ दवा और देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉनसी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वो नीले उनका एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए की उस ओर से अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता हुआ पाया था। उसके कपड़े, यहां तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहां गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसेनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की के बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? मेरी प्यारी सखी, यही बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को वो अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात को उसने उसका निर्माण किया था। तो श्रोताओं, ये थी ओ हेनरी की कहानी आखिरी पत्ता। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर लगातार ऑडियो फाइल के साथ हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं, तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। अगर आप हमसे फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो
तो हमारा पेज लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अगले सप्ताह ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।